अरे भगत सिंह की माता हो के मतला निर्वाही आजाद कराना है। ये कह दिया कि माँ अरे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अरे वक्त आने पर बता देंगे आसमां तुझको क्या तो हमने सोचा हर क्या हमारे दिल में है। क्या कहा पहली कभी और देशभक्ति की रागनी पर आदरणीय महेंद्र सिंह बेनीवाल साहब, जी हाँ आदरणीय महेंद्र सिंह बेनीवाल साहब हमारी टीम के लिए 200 रुपए का मान सम्मान किया है, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मेरे छोटे भाई भाई सोनू बेनीवाल गांव जवा हमारी टीम के लिए 200 रुपए का मान सम्मान करते हैं, दोनों के लिए जोरदार ताली। निर्जीव देख के तेरी छाती दहलावेगी, तेरी छाती दहलावेगी। हेरा मुश्किल हो जा झाले डांटनी तू चक्कर खा गिर जावेगी, तुझको रोती देख आत्मा मेरी भी दुख पावेगी, मेरी भी दुख पावेगी। हेरा बबर शेर की माता हो के बबर शेर की माता हो के अपना नाम लजिए माँ, भगत सिंह की माता हो के मतरानी भइए माँ, मतरानी भइए ये बोलूं उसके बाद लिख लूंगा भूल जाऊंगा। हमारे अजीज मित्र आदरणीय भाई संजय तालान जो खाद बीज भंडार जेवर में दुकान है उनकी हमारी टीम के लिए 200 रुपए का मान सम्मान किया है। और मेरे अजीज मित्र भाई दीपक नंबरदार जेवर देशभक्ति की रागनी पर 500 रुपए का मान सम्मान करते हैं, जोरदार ताली जोरदार ताली। गली गली में नेता घूमते हुए देखे होंगे, गली गली में नेता मिल जाएंगे, लेकिन स्वतः ये बताया कि राजनीति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा कोई किरदार नहीं देखा, कि राजनीति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा कोई किरदार नहीं देखा, और भगत सिंह जैसा कोई सरदार नहीं देखा। आज एरे गेरे नथू खेरे तंत्री बनकर बैठे हैं, और कुछ को तो जेलों में होना था, आज जो मंत्री बनकर बैठे हैं। ये बताया कि पांचों उंगली कभी एक सी नहीं होती, कुछ नेता मेरे भारत देश को नोच नोच करके खा रहे हैं, कुछ गद्दार लोग इस भारत देश के अंदर बस रहे हैं। और अभी यहाँ से कुछ फरमाइश आ रही थी डांस देखने की, तो आपके लिए भी एक बात बताना चाहती हूँ मैं कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए,
कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए, अरे दो गज जमीन नहीं मिलेगी तो फन के लिए, अरे मरना है तो मरो अपने इस वतन के लिए, जब तेरी लाश देखेगी तिरंगे में लिपटी तो ऐसी ऐसी महबूबा भी दुपट्टा उतार के दे देंगी तेरे कफन के लिए। क्या बात है। क्योंकि अभी 14 फरवरी को जो आतंकी हमला पुलवामा के अंदर हमारे भारत देश के अंदर हुआ, अगर मौका मिलेगा तो वो रागनी भी आप सभी के बीच में सुनाएंगे। आइए उससे पहले, क्योंकि जो शहीद होता है ना, जो नौजवान बॉर्डर पर जाते हैं रात दिन दिन रात, आज कश्मीर के अंदर जाकर के देखिए कितनी बर्फ पड़ रही है, लेकिन फिर भी आज अगर हम यहाँ पर कोई प्रोग्राम देख पाते हैं, अगर हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, तो उन फौजियों की बदौलत जो इस भारत देश को आजाद कराने के लिए इस भारत देश के अंदर खड़े रहते हैं दिन रात, सर्दी हो या गर्मी। लेकिन कुछ लोग उन पर भी आतंकी हमला करते हैं। श्रोताओं, कुछ दिन पहले एक न्यूज और आई थी, उस न्यूज के माध्यम से कुछ फौजियों के ऊपर पत्थर फेंके गए थे। श्रोताओं, अरे थप्पड़ मार करके चले जाते हैं लोग उन फौजियों को, क्योंकि हाथ में बंदूक भी होती है, कुछ कर नहीं पाते क्योंकि ऑर्डर नहीं है आर्मी की तरफ से उनको चलाने का। बताया कि अगर जो डिसीजन आज लिए जा रहे हैं मेरे भारत देश के अंदर, अगर ये पहले लिए जाते होते ना, तो आज आतंकी हमला मेरे भारत देश के अंदर नहीं होता। ये बताया कि हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं, कि हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली में खुली छूट दे डाली है। अरे बहुत हो गया मोदी जी, इन घर के गद्दारों को थोड़ा सा तो झटका दो। अरे जो सेना पर पत्थर फेंके उन्हें लाल किले पर लटका दो, लाल किले पर लटका दो। दूसरी कली के द्वारा क्या कहा, लोग कहेंगे इसका बेटा देश के हित खाका फांसी, देश के हित खाका फांसी। मेरा नाम अमर मेरा हो जागा, लाल बने तेरा विनाशी, पूजे धाम हमेशा तेरा बन जागा मथुरा काशी, बन जागा मथुरा काशी। सुखदेव को जब फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तो भगत सिंह एक अंग्रेज से रुखा नहीं गया, उसने भगत सिंह से कह दिया, रे भगत सिंह तू हमसे माफी मांग ले, हम तुझे माफ कर देंगे। श्रोताओं, भगत सिंह ने जवाब दे दिया, आजकल कौन बचना नहीं चाहता, कोई मरना चाहता है? नहीं मरना चाहता कोई भी। हाँ, आप मरना चाहते हो? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, मरना चाहते हैं देश के लिए। ये बताया श्रोताओं, भगत सिंह से कह दिया कि भगत सिंह तू हमसे माफी मांग ले, हम तुझे माफ कर देंगे। तो भगत सिंह ने जवाब दे दिया कि माफी तो दो प्रकार के लोग मानते हैं, कि जो गद्दार होते हैं और जो गुनहगार होते हैं। अरे ना तो मैं गुनहगार हूँ और ना ही अपनी भारत माता का गद्दार हूँ, तो मर तो सकता हूँ लेकिन तुम अंग्रेजों के सामने माफी नहीं मांगूंगा। ये कह दिया कि जब लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, कि जब लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहां तुम जैसे बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना, क्या करना। ये कह दिया रे अंग्रेजों, किस जज्बते शहादत का क्या करे दोस्तों, अब तो हथेली पे हमने ये सर ले लिया है, और कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। ये कह दिया मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे सामने
माफी नहीं मांगूंगा। तीसरी कली में भगत सिंह ने अपनी माँ को समझाया, अरे माँ इस जेल के अंदर पहली बात तो तुझे आना नहीं चाहिए था, और आ भी गई है तो इन आंसुओं को मत दिखा, क्योंकि एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। मुझसे तेरा ये दर्द देखा नहीं जाता, क्योंकि अब मैं अपने कदमों को पीछे हटाने वाला नहीं हूँ। इस भारत देश को कैसे भी हो आजाद करा के रहूंगा। तीसरी कली में भगत सिंह ने एक बेटे ने अपनी माँ को समझाया और क्या कह दिया सुनिएगा। हेलो उस माता की सेवा करना फर्ज बने से मेरारी, फर्ज बने से मेरारी। एरे मेरी आहुति की अग्नि में यो हो जा दूरिया मेरारी, हो जावे आजाद देशियो सुख का बने सवेरारी, सुख का बने सवेरारी। किसान को जाकर के खत्म कर सकते हैं, क्योंकि श्रोताओं जो हमला हुआ था ये आप सभी लोग समझदार हैं, ये एक दो दिन की बात नहीं है, और ना ही इतनी सुरक्षा होने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं है इस भारत देश के अंदर पैर रखने की। इस देश के अंदर भी गद्दार है जो मिनट मिनट पे खबर पहुंचाते रहते हैं। श्रोताओं जब वो आतंकी हमला हुआ तो एक माँ ने ये कहा, न्यूज के माध्यम से देखा गया था, एक माँ ने कह दिया कि जब तुम हमारे बेटों को सेना में भर्ती करते हो तो ये देखते हो डॉक्टरी के माध्यम से कि कोई अंग कटा तो नहीं है। आज तो मेरे बेटों को टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया गया, अरे मैं अपना बेटा कैसे वापस ले सकती हूँ श्रोताओ। और दो लाइने और लिखी, ये बताया कि चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं, कि चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं वो शीश? क्योंकि न्यूज के माध्यम से, न्यूज पेपर जो भी लोग पढ़ते हैं, रोजाना खबर आती है कि आज किसी बेटी के साथ में बलात्कार हो गया, किसी को किसी ने किडनैप कर लिया, किसी का किसी ने मर्डर कर दिया। श्रोताओ न जाने कैसी कैसी खबरें इस भारत देश के अंदर आती हैं, और इस दिल को तसल्ली मिल सकती है, लेकिन कब? कि चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। अरे या तो उनको फांसी टंगे वीर शहीदों की माएं, और या सीने पर गोली मारे पट सैनिक की विधवाएं। जब इस दिल को तसल्ली मिल सकती है, ऐसे नहीं मिलेगी। आइए चौथी और अंतिम कली के द्वारा एक बेटे ने अपनी माँ को कैसे समझाया, बहुत जल्दी हो रही। अरे अंग्रेजों तुम क्या सोचते हो कि मैं मर गया तो ये मेरा देश खाली हो जाएगा? अरे मेरे जैसे बेटे पता नहीं इस दुनिया में कितने जन्म लेंगे और तुमसे लड़ाई लड़ेंगे, कैसे कह दिया। आइए चौथी कली में भगत सिंह के मरने
कई लाख भगत सिंह तेरे उनते बेटा कह लीजे, उनसे बेटा कह लीजे। सबके दिल में हेरे सबके दिल में बसया भगत सिंह, न्यू दुनिया ते कह दीजे, न्यू दुनिया ते कह दीजे। हेरे लिख देगा हरे राम बैसला, लिख देगा हरे राम बैसला, मेरी कथा ने कही रे मां। अरे भगत सिंह की माता हो गए मतवाली भाई, अरे भारत माता की जय।